और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे, अरे वो तो बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, थोड़ा थोड़ा करके ही भाई जा। तो भाई जितने भी मेरे शादीशुदा भाई हैं या जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, सुप्रभात, स्वागत है आपका भाई फिर से एक नई वीडियो में। सुबह सुबह उठ भी उठा था मैं तो, 8 बजे उठते ही काम पे लगा दिया। ये देखो सुबह का काम, बेड बेड उठा के पूरे रूम की सफाई चालू है। सफाई पे जुट रहे हम तो सुबह सुबह, और देखो रूटीन तो पूरा सफाई का ही होने वाला है शायद, लग रहा है। सफाई घर के आगे सब सेट कर दिया भाई, अब ये सब शायद ऊपर लेके जाना। सब कितना कूड़ा निकला ये देखो, बेड के अंदर से नीचे की तरफ से। ये देखो पूरा करवाते हैं रूम को एकदम फर्स्ट क्लास क्लीन, सब सामान उठा के रखते हैं बाहर भाई। दादी ने बना दिया भाई चाय फर्स्ट क्लास सुबह सुबह। ये देखो मेरे लिए, ये निक्की के लिए, ये खुद के लिए, और ये निकाल दिए बिस्किट 50-50। बस पूरा सब कुछ भरे पड़ी है अपनी अलमारी में सिक्योरिटी की तरह, फुल सिक्योरिटी रखी है दादी ने खाने पीने की। भाई एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कोलगेट करते हैं तो कोशिश करो उससे बचे, नहीं तो भाई मंजन ले आओ डाबर का, अदरवाइज तो भाई बेस्ट यही है कि आपकी नीम, आप नीम की दातुन करो, क्योंकि जो कोलगेट होती है उसमें एक तरह से कैंसर पाया जाता है, क्योंकि भाई जो कोलगेट क्लोजअप ये सब चीज़ें हैं ना, इनमें एक चीज़ होती है जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें सोडियम लोरियल सल्फेट, जो कि कैंसर का बहुत बड़ा रीज़न है। सोडियम लोरियल सल्फेट से कैंसर होता है ये भाई, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। तो कोशिश यही करना कि उससे बचें, आप उसकी जगह आप मंजन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज घर पे भी यार मंजन बना सकते हैं, हल्दी और सेंधे नमक का। मैंने भी आज ऐसा ही मंजन तैयार किया, काफ़ी अच्छा फील हुआ यार, बहुत मज़ा आ गया ब्रश करके। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को कि कोलगेट वगैरह से फालतू की चीज़ों से बचे, अगर फिर भी ज़रूरत लगे तो डाबर का मंजन ले आए, अदरवाइज तो नीम और बबूल की दातुन दे बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं भी कोशिश करूँगा कहीं से बहुत सारी मंजन लेके आई जाए, मीन्स नीम की दातुन वगैरह, बट आज मैंने भाई कोशिश करी हल्दी और सेंधे नमक का पेस्ट बना के उसको यूज़ किया, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। तो भाई कोलगेट यूज़ करने से बचे, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि ये चीज़ें और लोगों के पास भी पहुँच जाए। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे, अरे वो तो बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, थोड़ा थोड़ा करके भाई ज़्यादा बनती है चीज़ें, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, इसलिए भाई ऐसी ऐसी बूंद अंदर जाती रहेंगे एक टाइम पे आप इसके शिकार हो जाओगे। और भाई इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कैंसर, इसलिए मेरे को न्यूज़ पता लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी और खुद पे भी लागू करी, और कोशिश करता रहूँगा ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ ताकि आप भी सेफ रहें, आपका परिवार भी सेफ रहे। तो गाइस मैंने छोड़ रहा हूँ रायता नहीं बतूगा, अरे यार मेरी दादी मेरी पता ही मुझे ले रही है वो वीडियो बनावा छोरा काम करे। तो मैं तो ये चाहता हूँ सभी भाई ऐसे ही भाई पत्नियों की मदद करें, ऐसे ही पत्नियों की मदद करना बहुत जरूरी है अपना घर बसाने के लिए, अपनी पत्नी के साथ मिलके काम में हाथ बटाए कंधे से कंधा मिला के। तो भाई जितने भी मेरे शादीशुदा भाई हैं या जो जिनकी शादी नहीं हुई है उनको यही कहूँगा, अपना घर बसाने के लिए भाई जमाना बदल गया है, अब वो टाइम नहीं रहा है कि पत्नी घर का काम करेगी और आदमी मौज करेगा, पैर पे पैर चढ़ा के बैठा रहेगा। तो मैं तो सभी को यही राय दूंगा, मिलके एक दूसरे का हाथ बटाएं और काम को जल्दी जल्दी फिनिश करवाएं। भाई देखो जैसे इन्होंने सुबह झाड़ू लगाया मैंने पोछा लगा दिया, अब मैं जैसे इन्होंने ये उबाल दी मैं अब रायते की तैयारी कर देता हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे जल्दी काम होगा, इनको भी अच्छा लगेगा, पति पत्नी के साथ प्रेम बढ़ेगा एक दूसरे का, अपने कसम वादों को भूले नहीं और एक दूसरे की मदद करें और हंसी खुशी प्यार से रही, यही मेरा एक संदेश है सभी मेरे देशवासियों को
और पूरे दुनिया को। इससे क्या है, प्रेम बना रहेगा और जीवन बहुत अच्छा चलेगा, प्यार और खुशी आएंगी और जिंदगी के मजे हो जाएंगे। फाइनली रायता हो गया रेडी और दादी ने कहा मैं लाऊंगी छोंके, बाबा ही दया दे घी लाओगी मैं रे कदी नु खुल कर राजी हो रही है, घी लाओगी की दादी लाओगी भाई छोंक, ये दादी ले आया भाई प्योर घी। दादी पूरी फॉर्म में है, दादी ने बना रखा है सारा की भाई, ये दही मलाई जोड़ जोड़ी है। जीरा डाल दिया भाई, बाप बुन दूंगी तो प्लेट दे दे रख दूंगी, देवी हम तो दूर बुन कर ये रखते बजन तारा का मैं दौर मरवाया करता। दादी अपने एक्सपीरियंस होल्डर है कदी ना 85 साल की बुढ़ी, लेकिन फुल एक्टिव जोश के साथ कर दिया भाई तैयार रहता। बाजरे का आटा ले आया हूँ भाई बुआ से, बढ़िया न्यू ठीक है, लग दर बाजरे की रोटी नहीं खो सकते दिन बाबा इधर गोल गोल है देख मोहतरमा, मैं इतनी बाजरे की रोटी खवा दूंगी सोची नहीं होगी कभी जिंदगी में। बढ़िया बाजरे की रोटी खाते हैं भाई रायते के साथ, और आ जानी है भाई कोमल भी, करीबन 3:30 बजे आ जाएगी कोमल घर पे, और अंकित जी और अनुज भी शायद साथ आएंगे, तो खाना पीना खा के नहा दो के फिर हमें जाना है भाई आंटी के घर, फटाफट कर लेते हैं भोजन और नहा लेते हैं। ये भाई कोमल पहुंच गया है और याद तो ये वार्तालाप जुट गया है, ये देखो इसको इसके काम देखो। अब जा रहे हैं भाई वॉक पे कोमल आंटी और पार्थ के साथ, ठंड हो रही है बढ़िया की तो, और अनुज आए हुए भाई वो तो चले गए हैं घर पे, आराम से पहुंच गए हैं, और मैं कर रहा हूँ अब आंटी का वेट आते हैं उनके चलते हैं फिर वॉक के लिए। भाई अभी आए हैं वॉक करके, मार्केट में पूरा सफाई अभियान चला रखा था, अभी पूरे मार्केट की सफाई चल रही थी, खाना तो आंटी के घर ही खा के आए थे, और पूरी थकान हो रही है, नींद आ रही है पूरी, और पूरे बॉडी पेन भी कर रहा है, तो सुबह से ही काम में लगे हुए थे, उबासी आ रही आ रही है। और भाई कोमल और आंटी तो पहुंच गए घर पे, तो आज के लिए यही करते हैं इस वीडियो का एंड, और आपसे लेते हैं अलविदा। बाकी एक और नई चीज़ गाजर का हलवा दिखाते हैं आपको, स्पेशली आया है ध्रुव जी के घर से भाई, भाभी जी ने भाई देखो स्पेशल गाजर पाक बनाया आज, और उनके घर गए थे भाई, पूरा टिफिन भर के उन्होंने गाजर का हलवा दे रखा है, मेरा तो फेवरेट है भाई फुल। थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं भाई और आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सायनारा, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।